सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको डॉक्टर कोट काट के बताऊंगा। डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स में पहनते हैं व्हाइट कोट, वो मैं आज आपको काट के बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, डॉक्टर कोट की कटिंग शुरू करते हैं। ये मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है, ये 1.25 मीटर कपड़ा लिया है। वैसे तो डॉक्टर कोट सफेद रंग का होता है, व्हाइट रंग का होता है, लेकिन व्हाइट कपड़ा मैंने इसलिए नहीं लिया ताकि इस गहरे कपड़े पे आपको निशान आसानी से समझ में आ जाएं, दिख जाएं, आराम से दिख जाएं और बात आपकी आसानी से समझ में आ जाए। तो ये बिछा लेते हैं इसको और सबसे पहले इसका नाप लिखते हैं। लेडीज कोट जो हमने बनाया था, नर्सिंग कोट जो हमने नर्सिंग कोट बनाया था, उसकी लंबाई थोड़ी सी कम होती है और जेंट्स कोट की, डॉक्टर कोट की लंबाई ज्यादा होती है। तो इसकी लंबाई हम कितनी करेंगे, इसकी लंबाई कम से कम इसकी हम 34 इंच लंबाई करेंगे और 40 इंच छाती, 38 इंच पेट, 18 इंच तीरा और हिप इसका जितनी छाती है जेंट्स का तकरीबन उतना ही हिप होता है, 40 ही इसका हिप रखेंगे और इसकी बाजू रखेंगे हम 10 खुली 14। ये हमारा मेजरमेंट है इसका। लंबाई 34, छाती 40, पेट 38, तीरा 18, हिप 40, बाजू 10 और बाजू की मोहरी 14 इंच। अब वैसे ही हम, जैसे मैंने नर्सिंग कोट में बताया था लेडीज में, वैसे ही हम एक यहां पे निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया और ये हम यहां से, हमने लेडीज में 1 इंच लिया था लेकिन इसमें हम 1.5 इंच लेंगे। ये 1.5 इंच लेंगे क्योंकि जेंट्स का कंधा डाउन होता है। अब इसकी लंबाई कितनी है, 34 इंच। ये लंबाई है इसकी 34 और 2 इंच का ये दबाव। अब इसकी छाती है 40। 40 का 1/4 कितना हो गया, लेडीज में हमने 1/5 लिया था और जेंट्स में हम 1/4 ही लेंगे। 40 का 1/4 हो गया 10 इंच। ये 10 इंच हो गया लेकिन पूरा 10 इंच हम लेंगे नहीं, आधा इंच इसमें हम कम करेंगे। शर्ट में हम 1/4 इंच मुड्ढा कम करते हैं लेकिन इसमें हम सिर्फ आधा इंच ही कम करेंगे, और आधा इंच ना भी कम करेंगे और पूरा 10 इंच भी ले लेंगे तो भी खुला खुला होता है ये, क्योंकि शर्ट के ऊपर पहना जाता है। तो ये हम इसको ज्यादा कम नहीं करते हैं, 1/10 कर लेते हैं, 1-2 सूत इससे कम कर लेते हैं। तो ये 1/10 हमने ये ले लिया और अब मुड्ढे का निशान पहले हम लगा लें और लंबाई का निशान लगा लें। अब इसका हम पेट का निशान वैसे ही लगाएंगे जैसे कुर्ते में लगाते हैं आमतौर पे। तो कुर्ते की यहां से जेंट्स है, जेंट्स में हम 1.25 के करीब, क्योंकि 40 छाती है ये, 1.25 के करीब नीचे निशान लगाएंगे और 6 इंच की ये मान लो हम जेब लगाते हैं, ये 3 इंच का सेंटर, ये इसका पेट का निशान हो गया। ये पेट का निशान निकालने का सबसे बढ़िया फार्मूला है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। शर्ट में हम ऐसे नहीं निकालते। शर्ट में हम क्या करेंगे कि ये जो निशान है इस निशान का सेंटर से 2 इंच ऊपर लेके हम निशान लगा देंगे, वो हमारा पेट का निशान होता है वो, क्योंकि शर्ट में एक्चुअल नाभि पे निशान लगाना होता है, इसलिए यहां से हिसाब बनता है उसका। अब ये हो गया, अब हम यहां से 1.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे बैक का। ये 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ये सीधा लगा लेंगे और अब इस शेप पट्टी से, इस शेप पट्टी से हम बैक की शेप देंगे। अब बैक की शेप हमारी कहां आती है,
ये देख लीजिए, ये यहाँ आती है, ये यहाँ आती है, लेकिन इस ये हमारी एक्चुअल सेफ नहीं है। अब हमने यहाँ से सेफ लेना है, ये ऐसे सेफ लेना है, ये ऐसे सेफ लेना है, यहां से डेढ़ इंच है। तो जेंट्स में देखिए, लेडीज में तो ये एक इंच हमने यहां से ले लिया था, लेकिन जेंट्स में ये अगर डेढ़ है तो यहां पर पौना इंच लेंगे हम। ये पौना इंच पे हमने ये सेफ दे दिया, ये निशान नहीं हमारा, अब ये निशान है। अब यहां से इसका गला है, गला हमने लिखा नहीं है, इसका गला है 16 इंच। अब 16 का पांचवा हिस्सा कितना हो गया, करीब 1.25 से 1 सूत ज्यादा, ये 1.25 से 1 सूत ज्यादा हो गया। और ये इसको आप सीधा मिला लीजिए, और ये कॉलर की टीक बन गई बैक की। अब यहां से जेंट्स है, लंबा है थोड़ा सा, तो इसको हम 9 इंच पे इसका चाक लगाएंगे। 8.5 पे भी अगर लंबाई कम है तो 8.5 पे भी चाक का निशान लगा सकते हैं, 9 पे भी लगा सकते हैं, और भी ज्यादा कम हो जेंट्स की तो आप 8 इंच पे भी चाक का निशान लगा सकते हैं, लेकिन 9 इंच से ज्यादा नहीं लगाना, चाहे कितना भी लंबा हो। अब इसकी चेस्ट है 40, 10 × 40 प्लस 1 इंच लूजिंग। ये सिर्फ ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं सिर्फ डॉक्टर कोट के लिए है, ये दूसरे कोटों के लिए नहीं है, या दूसरे किसी भी आइटम के लिए ये फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर कोट कटिंग के लिए है। और जो लेडीज का मैंने सेम वही सेम फार्मूला है, लेडीज का भी जेंट्स का भी, सिर्फ मुड्डे में फर्क है, बाकी सेम फार्मूला है। तो ये 1 इंच की लूजिंग, ये सिर्फ डॉक्टर कोट या नर्सिंग कोट का ही फार्मूला है। अब इसका 13, 18, 1, 19, तो यहां से हम 9.5 लेंगे, ये हमारा 9.5 हो गया। अब देखिए, लेडीज में हमने इस निशान को इस निशान से मिला दिया था, क्योंकि लेडीज की चेस्ट और कमर फैली हुई होती है शोल्डर से नीचे, इसलिए ये हमने बाहर की तरफ निकाल दिया था। लेकिन लेडीज जेंट्स में शोल्डर ज्यादा होता है और यहां से कम होता है, इसलिए हम इसको ये 0.25 इंच पीछे हटा के, इस ये पीछे हटा के, तब हम ये निशान लगाएंगे सेफ पट्टी से। ये हो गया, ये निशान हो गया, क्योंकि यहां से हाफ बैक जेंट्स की कम होती है, लेडीज की ज्यादा होती है, और ये हमारी ये बैक होगी। इसको हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, ज्यादा घुमाएंगे नहीं, बिल्कुल सीधी टाइप में हम इसकी सेफ करेंगे। अब इसका पेट है 38, यानी ये 9.5, 38 और 1 इंच की लूजिंग। अब इसका हिप है वही 40, तो 40 में आपने जितना यहां रखा है, ये किनारी से देख लीजिए, जितना ये है 13.1 सूत, उतना ही आप ये 13.1 सूत यहां हिप का लगा लीजिए। अब इसको ये पहले सीधा निशान लगा लीजिए, और इसको आप हल्की सी ये सेफ दे दीजिए, ताकि ये कोना ना बने, कोलाई बन जाए, और ये आप जी आप इसका ये निशान हो गया, ये आपकी बैक कंप्लीट होगी। यहां से 3-4 इंच ऊपर, 3.5 इंच ऊपर, 3.5 इंच ये नीचे, और ये एक प्लेट डाल दीजिए आप, इसमें भी डॉक्टर कोट में प्लेट पड़ेगी, ये आपकी प्लेट होगी, चौक के निशान से ऊपर ऊपर होनी चाहिए प्लेट, इसके सिर में प्लेट नहीं जानी चाहिए, अगर सिर में भी जाती है तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और यहां से आप देखिए, यहां से आप कितना डाउन करेंगे, क्योंकि ये हमारा अब ये निशान है, तो यहां से हम वही 0.25 इंच डाउन करेंगे, ये डेढ़ तो हमने लिया था, और 2 सूत और नीचे डाउन करेंगे, और इसको हम ये हम मिला देंगे, ये हमारी बैक कंप्लीट है। मैं इसको काट देता हूं,
ये हमारी बैक कट गई है, अब हम सामना बिछाते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में आपको काट के बताऊंगा।